आज के हालात के मुताबिक लोग बीजेपी से फेड अप है, डीपी को सिलेक्शन करेंगे। नहीं, अपने दम पे लड़ी, कोई गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं। और जैसे तक आपने एजेंडे की बात की है, सबसे बड़ा एजेंडा तो हमारी पार्टी का ये है, जैसे आजाद पार्टी ने, आजाद साहब ने पार्टी बनाई, उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो जमीन है यहीं कोई बाहर का आदमी नहीं खरीदेगा, जमीन के हक हकूक सेफ्टी के लिए थी। और जो उन्होंने कहा कि नौकरी जो बाहर का लोग, जहाँ जो हमारे युवा हैं वो नौकरी उन्हीं को मिलेगी, बाहर का नहीं मिलेगा, तो 370 के अंदर तो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट यही चीजें आती हैं। तो उसमें ऑलरेडी हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें आता है, और एजेंडा जिस तरह लोकल लेवल पे जब यहाँ उधमपुर का जो एजेंडा होगा, सारे साथी बैठे हैं, जब नोटिफिकेशन निकलेगी और हम यहाँ पे उस वक्त की है लोगों के बीच में जाने के लिए, जो लोगों के बीच में जाने के लिए लोकल एजेंडा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा मैं उधमपुर से अपील करना, आपके द्वारा करना चाहता हूँ उधमपुर के वोटर से, कि गुलाम नबी आजाद साहब आएंगे तो इस स्टेट को भी ठीक कर सकते हैं और उधमपुर के जो जो अच्छी इसकी जो पिक्चर है वो भी बना सकते हैं कि अच्छे ढंग से यहाँ डेवलपमेंट।